हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। ये घड़ी हमारी जो है वो बंद हो गई है, इसमें 3 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि मैं आई जैसे ही यहाँ पे, तो मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गई कि मेरी वो वाली घड़ी ख़राब हो गई कि ये वाली घड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि ये वाली घड़ी में 3 बज रहा है, उस वाली घड़ी में जो है वो 12:55 हो रहा है। तो फिर मैं मोबाइल में देखी कि इतना लेट तो आज नहीं, आज मतलब कि हो गया, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं सोकर उठ कर नहाई नहीं थी, क्योंकि देर से मैं उठी थी। तो मैंने सोचा, और बहुत सारा काम था डस्टिंग वगैरह का, जो साफ़ सफाई का होता है, बहुत सारा काम था। जैसे ये ड्राइंग रूम के ऊपर वाला पूरा ऊपर का अलमीरा साफ़ करना था, और उधर स्टोर रूम साफ़ करना था। तो मैं सोची कि मैं एक साथ सारा पहले आज सुबह सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सारा काम करने के बाद नहाऊंगी। तो सारा काम करते करते 9 o'clock हो गया। तो मैं सोची चलो ब्रेकफास्ट और जो लंच है वो तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाई थी डोसा, प्लेन वाला डोसा। और अभी जो है वो लाइट नहीं है, इसकी वजह से मुझे इतने पसीने आ रहे हैं। और अभी मैं नहा कर ही निकली हूँ, लंच बना दी हूँ, अभी लंच की नहीं हूँ। और कार्तिक को मैं आम काट के दे दी हूँ, उसका एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है 11 बजे के लगभग एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, और अभी वो लैपटॉप देख रहा है कुछ। तो ये घड़ी अभी मैं बार बार देख करके कंफ्यूज हो जा रही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ 11 बजे ख़त्म हुआ, फिर से 3 बज गया, मतलब मुझे अभी भी यही चीज़ लग रहा है कि फिर से 3 बज गया। हद होती है, तो कितना ज़्यादा टाइम का हम लोग, मतलब कितना ज़्यादा टाइम टू टाइम, मतलब कि ये टाइम में ये करना है, ये टाइम में करना है, ये टाइम में करना है। तो अगर जो घड़ी की सुई होती है वो ज़रा सा रुक जाती है या आगे बढ़ जाती है, तो हम लोग कन्फ्यूज करने लगते हैं। तो ये तो हालत है। और मेरे बाल अभी गीले ही हैं, बाबू सो रहा है, हस्बैंड मेरे सो रहे हैं उसके साथ, और उसका बहुत पसंदीदा गाना चल रहा है। वो गाना जब भी चलता है तो ये सो जाता है। और वो गाना क्या है, भजन है, राधे राधे करके है। तो वो जब भी चलता है, उसे पता नहीं क्या है, कितना भी रोते रहेगा, कुछ भी करते रहेगा, वो जैसे ही बजता है एकदम शांत हो जाता है, एकदम मतलब लगता है सही में मेरा बेटा जो है ना वो कृष्ण कन्हैया है। तो शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो सो जाएगा सुनते सुनते। और जब तक बजते रहेगा तब तक ये हालत है। और अगर फिर गहरी नींद में चला जाता है तो बंद कर देते हैं। रात का, दोपहर का, सुबह का, मतलब जितने भी टाइम है आप वो बजा दो, उसे नींद आनी ही आनी है। नींद नहीं आएगा तो बदमाशी करना बंद कर देता है एकदम बिल्कुल। तो ये है। और अभी मैं आम खा रही हूँ, कार्तिक को काट के दी हूँ। और कार्तिक को ना ये वाला पोर्शन आम का जो होता है ना, गुठली वाला, वो उसे पसंद नहीं है। उसे बस एक किनारे किनारे का पल्प ही पसंद है। तो मैं उसके लिए काट करके अभी किचन में रख के आई हूँ। अभी वो लैपटॉप में बोला है मम्मी एक मैं वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो इन द सेंस कि शायद वो ये हैरी पॉटर में जेली करके कुछ है, तो पता नहीं वो उसको कब से फेवरेट हो गया है। भगवान जी ने हैरी पॉटर देखा है तब से शायद, तो वो उसी का वीडियो देखता है, और नहीं तो फिर कोई क्राफ्ट का वीडियो देखता है। तो कुछ क्राफ्ट उसको बहुत पसंद है, क्राफ्ट का वीडियो वगैरह भी देखना, तो वो क्राफ्ट का वीडियो ही देख रहा होगा। और अभी मैं चेक करके आ रही हूँ, बाबू लगता है जग गया है। तो अभी मैं चेक करके आई, बाबू एक्चुअली में जगह नहीं था, बगल में बच्चे हैं तो वो रो रहे थे, और इतने तेज रो रहे थे तो मुझे लगा कि बाबू सो रहा है और इतना तेज रो रहा है, उसके पापा तो उसके साथ सोए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, बट ठीक है, अभी मैं आम खाती हूँ। आम अभी के सीजन में जो आम है वो थोड़े से खट्टे मीठे से नेचुरल जैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो आम खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मनी प्लांट है, मैं आई थी कपड़े फैलाने, और मनी प्लांट का हालत देखकर मुझे रोना आ गया। ये मनी प्लांट को सारे पौधे चिड़िया ने जो है वो कुतर कुतर दिए। इसमें अभी वर्ड आने वाला था, फ्लावर खिलने वाला था, तो इसका भी वही हालत किया है और इसका भी वही हालत है। तो चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं कभी कभी, बहुत गुस्सा आता है चिड़ियों पर, कह सकते हैं।
और जबकि मैं उसे रोज़ पानी देती हूँ और दाना देती हूँ, दाना तो रोज़ नहीं देती हूँ, कभी कभी देती हूँ, क्योंकि देती हूँ तो मेरे यहाँ वो दाना नहीं खाती है। और नीचे में, नीचे वाले जो हमारा फ्लोर है ना, मतलब फ्लैट, उसमें वो हमेशा दाना देती है और उनके हमेशा दाना चुगती है, बट लगता है कि मेरे यहाँ सिर्फ पानी पीती है। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाती हैं। और ये जो है ना, वो कोई बेडशीट नहीं है, ये मैंने कंबल का कवर खरीदा था, तो कंबल में कवर आ नहीं रहा था, आ नहीं रहा था क्या, कंबल फिसल जा रहा था, तो फिर ऐसे मैं बेडशीट बना दी। और मैं सोची बहुत दिन से पड़ा हुआ है, कोई नई बेडशीट बिछाई नहीं हूँ, तो चलो इसी को बिछा देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये है, और ये रहा हमारा लंच। लंच में मैंने आज बनाया है आलू बैंगन की सब्जी, लाल साग और दाल चावल, बस रोटी, यही है हमारा लंच। और ये कार्तिक क्राफ्ट कर रहा था, बट उसको मन नहीं हुआ, एग्जाम भी आ गया, तो दोनों चीज़ हैं, तो दोनों चीज़ के ये मैं उसे मौका मिल गया कि चलो अब मुझे नहीं बनानी है। और फेविकोल का डब्बा भी खुला छोड़ दिया था, हालांकि इसमें है बहुत कम फेविकोल, लेकिन जो भी था वो सूख गया है, और मैं इसी से अभी निकाल निकाल करके देखती हूँ होता है कि नहीं, और कैसे कैसे करती हूँ। वो मुझे देख करके वो कर रहा था कि आप कीजिएगा तो मैं भी बनाऊँगा, तो बना रहा था, बट बहुत मुश्किल से ये थोड़ा सा सुधारी हूँ मैं। और जैसे तैसे करके, ऐसे बच्चे जो करते हैं उनको उनकी मन की करनी देनी चाहिए। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे करते हैं और कभी कभी तो एकदम छोड़ देते हैं, उनको मूड नहीं होता है, सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से शुरू करते हैं और फिर उसको ख़त्म नहीं करते हैं, तो ख़त्म हम ही लोग को करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पेपर वो ढंग से लगाया नहीं था, और जो लगा हुआ था वो सारे पेपर फट गए थे। तो यहाँ पर मैं किसी तरह करके उसे मैं चिपका दी हूँ, हालांकि इधर चिपकाई उधर निकला, उधर चिपकाई उधर निकला, ये हो रहा था, तो अच्छे से मैं चिपका दे रही हूँ। और उसके बाद फिर अभी उसके एग्जाम भी आ गए हैं, तो एग्जाम पर भी वो कंसंट्रेट कर रहा है। तो ऐसे में मैं उसे ये नहीं कहूँगी कि तुम करो ही करो, कि एग्जाम जरूरी है। और इससे पहले भी मैं ये बनाई थी, और ये पेपर जो ब्लू वाले पेपर है ना, एक बंडल मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मैं उनसे भूली हुई थी, इतना सारा क्यों लाए हैं एक ही कलर में, कोई अलग अलग कलरफुल ले आते। और बोले कि सो दुकान वाला बोला कि ये जो है वो आप ले लीजिए, सो मेरे पास एक ही बंडल बचा हुआ, फिर ये बिक्री नहीं होगा, और ये ले आए, क्या बताएं। वैसे ये वाले जो पेपर है ना, ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा, बट अमेजोन पे भी बहुत सुंदर सुंदर कलर में है ये, और अमेजोन वाले का क्वालिटी में भी और अच्छा हो, क्योंकि ये तो मुझे शायद क्या है से 1 रुपये के एक पड़े थे, तो पतली सी सीट है, 1 या 1.5 रुपये के एक पड़े थे, पतली सी सीट है, तो इसे मैंने आखिरकार ठीक कर ही दिया। ये देखिए हमारा ठीक हो गया, थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन ठीक हो गया है और अच्छा बना है। और इसमें क्या है कि छोटे छोटे बुक्स, आप जो पतले पतले स्टोरी बुक होते हैं वो रख सकते हैं इसमें, और कुछ एक जैसे इसके ये में पेपर वगैरह मिलते हैं, सीट वगैरह, तो वो सब रख सकते हैं, तो अच्छा है, यूजफुल है। सो जा मेरा सोना बच्चा, अभी मैं इसको सुलाने के लिए आई हूँ फिर से वापस। 3:30 हो गया है और मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा देर सोए, क्योंकि इसको थोड़ा देर सोएगा, अभी 10 से 15 मिनट के लिए नींद आएगी इसे, लेकिन ये अभी सोने के मूड में नहीं लग रहा है, फुल मस्ती खेलने के मूड में लग रहा है। आ बेटे सो जा, एकदम दुबला हो गया है। दांत निकल रहे हैं ना, तो दिन भर में 4 से 5 बार पॉटी कर दे रहा है, कभी कभी 4 बार, कभी कभी 5 बार, तो शायद इसकी वजह से ये थोड़ा सा इसकी तब पतलू पतलू हो गया है। जाते हैं डॉक्टर के यहाँ और फिर इसको पूछते हैं डॉक्टर से, कुछ दवाई ववाई देंगे। हाँ
और एक दांत अभी निकला है इसका। इसके दांत जो है ना वो बहुत लेट आ रहे हैं। तुम्हारी शिकायत नहीं हो रही? हाँ, एक दांत छोटी सी दांत है। आजा सो जा मेरा सोना सोना। तो अभी मैं इसको सुलाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, शाम में मिलती हूँ। फिर हेलो एवरीवन, अभी गुड इवनिंग हो गया है। और ये बाबू का भी मेरे गुड इवनिंग हो गया है, सोना बच्ची का भी गुड इवनिंग हो गया है। मैं सोची थी कि मैं चाय पीऊँगी, तब तक ये सोए रहेगा, लेकिन मुश्किल से 15 मिनट सोया है बस। और जब तक इसे मैं घुमाते रही तब तक ये सोते रहा। जैसे ही मैं चाय बनाने गई वैसे ही ये जग गया। हाँ, ये तो है ये। गुड मॉर्निंग सोना बच्चा, बोलो गुड मॉर्निंग। इनका तो अभी भी गुड मॉर्निंग ही हुआ है। हाँ चलिए, यहाँ बैठे तो यहाँ बैठिए। और अब मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, ठीक ना? अच्छी टेस्ट नहीं लगता है जितना कि दूध वाली चाय का टेस्ट लगता है। पाउडर वाले दूध का टेस्ट लगता ही नहीं कि मैं चाय पी रही हूँ, जैसे मतलब अजीब सा अच्छा टेस्ट है। लेकिन हाँ, ये बहुत लाइट होता है। दूध वाली चाय तो थोड़ी सी हैवी होती है, चाय पीने के बाद बहुत देर तक लगता है कि हाँ चाय पिए हैं, बट ये थोड़ी सी लाइट होती है उसका बच्चा। मैं सोच रही थी कि मैं शाम का चाय आराम से पी लूंगी इसको सुला करके, बट नहीं, ये तो अभी जाग गए। जैसे ही मैं इसे सुलाई और चाय बनाई, मेरी चाय खत्म हुई और इसकी नींद खुल गई। एक्चुअली क्या था कि स्ट्रॉलर में लेके मैं इसे घुमा रही थी, तो घुमाते घुमाते इसकी नींद आ गई, क्योंकि इसे घूमना बड़ा पसंद है। और अभी बाहर नहीं ले जाते हैं इसे, तो घर ही में घुमा देते हैं या बालकोनी में घुमा देते हैं। तो घूमते घूमते ये सो गया, और मैं सोची कि चलो अब सो गया तो थोड़ी देर के लिए मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैं चाय जैसे ही बनाई और बना के मेरी चाय की, चलो अब ख़त्म हो गई चाय, अब मैं पीऊँगी आराम से बैठकर, तो ये जग गया। जग गया तो अब थोड़ा सा नींद खुलने पर, बच्चे जो है कभी कभी इरीटेट होते हैं, बट ये थोड़ी देर में ठीक हो गया, क्योंकि नींद हल्की थी और पता नहीं कैसे ये जग गया। तो अभी उसी के साथ मैं खेल रही हूँ, और सामने सोफे पे मेरे हस्बैंड बैठ रहे हैं, तो उन्हीं से मैं बातें कर रही हूँ। वो जो है वो कुछ अपना काम कर रहे हैं, और कार्तिक को कुछ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका एग्जाम है और उस कल, और जहाँ उसे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो उसको वो क्लियर कर रहे हैं।
और अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक मैं भी इसे थोड़ा घुमा लेती हूँ और थोड़ा इसे एंटरटेन कर देती हूँ, और फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए मैं कैसे वीडियो बनाऊँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, बट आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।